नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। तो दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग UPSC की ओर से बड़ा अपडेट, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दोस्तों UPSC ने सिविल सर्विसेज जो एग्जामिनेशन 2020 का जो प्रारंभिक जो रिजल्ट है, प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है, वो दोस्तों जारी कर दिया है। दोस्तों, बहुत कम समय में ये रिजल्ट जारी किया गया है। सिविल सर्विसेज का जो रिजल्ट है, प्रारंभिक परीक्षा का ये जो परिणाम है, ये यहाँ पर दोस्तों जारी कर दिया है। ये बड़ा अपडेट है। और दोस्तों, इस रिजल्ट की खास बात ये है, देख सकते हैं यहाँ पर, ये तो आपका रहा। दूसरा यहाँ पे दिया गया इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है, वो भारतीय वन सेवा का भी यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया है। और सबसे पहले हम रिजल्ट देख लेते हैं। PDF फाइल हमने डाउनलोड कर लिया था पहले ही, और अब आप लोगों के सामने देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर जो प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो देख सकते हैं आप लोग। रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया है। 4 अक्टूबर को एग्जाम कंडक्ट किया गया था, और अब यहाँ पर जो सफल अभ्यर्थी हैं जो सेकंड फेज के लिए जाएंगे, उनका परिणाम यहाँ पर UPSC ने जारी किया है। ये यहाँ पर सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर्स मेंशन किए गए हैं, और देख सकते हैं आप लोग इसमें आपका परिणाम। कमेंट करके ज़रूर बताएं कितने मार्क्स आप लोगों ने प्राप्त किए, कितने इसमें आपका जो प्रीलिम्स में चयनित हुए हैं या नहीं हुए हैं। अभी लड़ाई बहुत लंबी है आप लोगों की। जो प्रीलिम्स में चयनित हुए हैं उनको मुख्य परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे भी अपनी तैयारी को इसी ढंग से करते रहें। और दोस्तों, ये बड़ा अपडेट है UPSC का, बड़ा जल्दी यहाँ पे परिणाम घोषित किया है। अमूमन हर परीक्षा का परिणाम ऐसे ही घोषित किया जाना चाहिए, ताकि बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए ये राहत की बात है। तो दोस्तों, UPSC का जो परिणाम है वो जारी हो चुका है। वेबसाइट पर भी ये परिणाम प्रकाशित हो चुका है, वहाँ से भी देख सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ, जहाँ से आप लोग अपना ये परिणाम यहाँ पर देख पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं। अब इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें भी बताई गई हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये रोल नंबर्स आप लोग देख लें, जिन जिन भी अभ्यर्थियों का यहाँ पर, जो भावी IAS अभ्यर्थी हैं उनका भी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। द कैंडिडेचर ऑफ दीज कैंडिडेट्स इज प्रोविजनल, तो प्रोविजनल ये है, और 4 अक्टूबर को ये परिणाम यहाँ पर हुआ है, ठीक है। मेन एग्जामिनेशन 2022 भी हेल्ड फ्रॉम फ्राइडे 8-1 से ये का मेन एग्जामिनेशन इसमें होगा, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। अब दूसरा जो है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जो वन सेवा का जो परिणाम है, भारतीय वन सेवा, तो उसमें भी देख सकते हैं सिविल सेवा प्रारंभिक 2020 का परिणाम उन उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने भारतीय वन सेवा परीक्षा 2020 में प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्त की है। तो देख सकते हैं DF जो है, सोमवार दिनांक 16 नवंबर 2020 से 27 नवंबर 2020 तक 6:30 बजे तक ये आपका रहेगा इसमें। तो देख सकते हैं आप लोग, पूरी की पूरी सूचना इसमें दी गई है। और ये कहा है उम्मीदवारों को यह सूचित किया जाता है कि सिविल सेवा प्रारंभिक 2020 के माध्यम से स्क्रीन टेस्ट के अंक, कट ऑफ अंक और उत्तर कुंजी भारतीय वन सेवा परीक्षा 2020 की समस्त प्रक्रिया पूर्ण होने, अर्थात भारतीय वन सेवा का अंतिम परिणाम घोषित किए जाने के बाद ही आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध किए जाएंगे। तो 4 पेज का ये रिजल्ट है। देखिए, कमेंट करिए, और सभी को शुभकामनाएं। अपनी तैयारी को लगातार करते रहें। अभी यहाँ पर मंजिलों का अंत नहीं हुआ है, आगे बहुत लंबा जाना है, इसलिए मुख्य परीक्षा के लिए भी अपनी तैयारी को लगातार आप लोग करते रहिएगा। तो दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें और UPSC की वेबसाइट पर जाकर ये परिणाम देखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।